अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर सिद्दीकी है और मैं यूएस में मुकीम हूँ। स्टडी अब्रॉड, स्कॉलरशिप्स, ट्रैवलिंग, फूड कल्चर के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ गुड स्टफ ऑन द चैनल। आज की वीडियो स्कॉलरशिप के हवाले से है। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई डिड एनी वीडियोस अबाउट स्कॉलरशिप्स, लेकिन आज हम सऊदीया की टॉप यूनिवर्सिटी जिसे कॉस्ट या किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है में स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। पास्ट में सऊदीया में स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने बहुत सी वीडियोस की हैं और वो आप लोगों में बहुत मकबूल हुई। आज तक लोग जो है वो सवालात करते हैं मुझसे कि फॉर एग्जांपल किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ स्कॉलरशिप के साथ पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सऊदीया में स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। हम देखेंगे कॉस्ट में जो स्कॉलरशिप है वो किन डिसिप्लिन में मौजूद है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के बेनिफिट्स हैं और क्या डेडलाइन है। अगर आप किसी से कहें कि यार मैं सऊदीया पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो शायद अजीब लगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आवाम है, स्टूडेंट्स हैं, वो अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, यूरोप जाके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पास्ट में मिडल ईस्ट में जाके पढ़ने का रुझान जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप जो है वो ऑफ़र कर रही हैं, ताकि दुनिया के जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं और वहाँ जाके मास्टर्स करें, पीएचडी करें या रिसर्च करें अपनी फील्ड में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉस्ट में न सिर्फ अमरीका, यूरोप, जापान, चाइना से लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बल्कि वहाँ की फैकल्टीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत बड़ी तादाद जो है वो फॉरेनर्स की है। और इसकी वजह जो है वो ये है कि दे आर ऑफरिंग वेरी ल्यूक्रेटिव पैकेज फॉर एनीवन हु हैज़ टैलेंट टू कम टू सऊदी अरेबिया एंड मेक कॉस्ट फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार सऊदीया कौन जाएगा, तो लेट मी एक्साइट यू। जब बाहर जाके पढ़ने की बात आती है तो सबसे जो बड़ा खर्चा है वो होता है ट्यूशन फी का, राइट? लेकिन अगर आपका एडमिशन कॉस्ट में हो जाता है तो आपको ट्यूशन फी की मद में $1 या $1 या ₹1 पे करने की जरूरत नहीं है। इट्स ट्यूशन फ्री एजुकेशन फॉर यू। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है अकोमोडेशन का। अगर आपका एडमिशन हो जाता है कॉस्ट में तो आपको फ्री अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है आपका लिविंग एक्सपेंस, खाने पीने के जो अखराजात हैं। तो आपको बताता चलूं कि आपको $20,000 से $30,000 एनुअली जो है वो कॉस्ट प्रोवाइड करेगा टू मीट ऑल योर लिविंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट में एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपको मेडिकल और डेंटल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलोकेशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आप सऊदीया जाएंगे, उस मद में जो भी खर्चा आएगा, चाहे वो एयरलाइन का खर्चा हो, चाहे वो वीज़ा प्रोसेसिंग फीस हो एटसेट्रा, वो सब कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इतनी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं कि ये सुन के तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से मास्टर्स और पीएचडी कर लूँ। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि भाई डेडलाइन क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है एटसेट्रा। एडमिशन या स्कॉलरशिप के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर आना है और एडमिशन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ओपन फॉर 2024 फॉल। द डेडलाइन फॉर पीजी डिप्लोमा, एमएस, एमएस पीएचडी एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर फॉल एंट्री, राउंड वन 1 अक्टूबर 2023, राउंड टू 13 जनवरी 2024। तो राउंड वन जो है वो निकल चुका है, लेकिन राउंड टू के लिए आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं एडमिशन के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं यू नीड टू हैव ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स। जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है आपके बैचलर डिग्री की, वो आपको चाहिए। सीवी, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी किस तरह बनाते हैं, इस हवाले से बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस हवाले से बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप एक अच्छा विनिंग मोटिवेशन लेटर लिखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जो भी आपके पास टीचर्स रहे हैं उनसे आपको रिकमेंडेशन लेटर लेना है, जो कि रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए।
उसके बाद है ऑफिशियल टोफिल और आइल्स एकेडमिक स्कोर। टोफिल या आइल्स एकेडमिक आपको चाहिए, आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से या किसी और किस्म के टेस्ट से काम नहीं चला सकते। यू नीड टू हैव ईदर आइल्स और टोफिल एकेडमिक। इसके बाद है ऑफिशियल जीआरई स्कोर। जीआरई सबमिशन इज इनकरेज्ड एंड विल इनहेंस एन एप्लीकेशन बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास जीआरई का स्कोर है बहुत अच्छी बात है, आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग जो है वो बन जाएगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव अ जीआरई इट डजंट मैटर, इफ यू हैव इट तो आप उसे सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो करना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप एमएस कर सकते हैं, एमएस विद थीसिस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमएस लीडिंग टू पीएचडी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। किन डिसिप्लिन में इन डिग्रीज को हासिल करना पॉसिबल है तो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई इस फैकल्टी में बायो साइंस है, प्लांट साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मरीन साइंस है, बायो इंजीनियरिंग है। सिमिलरली कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड मैथमेटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अगर आप अंदर जाते हैं इस पेज के तो इस फैकल्टी में आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और स्टैटिस्टिक्स है। इसी तरह फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी है जिसमें केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है और अप्लाइड फिजिक्स है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपका ताल्लुक जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको अपनी पसंद का डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा और जिस फील्ड में आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं उसके बाद अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है, देन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली कॉस्ट में मास्टर्स पीएचडी या मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी स्कॉलरशिप के हवाले से था। हमने देखा कि इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको एडमिशन के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन डिपार्टमेंट्स में, किन डिग्री प्रोग्राम्स में आप एमएस या पीएचडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्कॉलरशिप है, ना फीस पे करनी है, ना रहने की परेशानी है, ना मेडिकल के अखराजात हैं और ऊपर से आपको जो आपके खर्चे हैं खाने पीने का खर्चा है उस मद में आपको 20 से 30,000 डॉलर जो है वो दिए जाएंगे, विच इज़ रियली गुड अमाउंट। लेट मी टेल यू, अगर आप यूरोप जाते हैं रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए तो भी आपको इतना ल्यूक्रेटिव पैकेज जो है वो नहीं मिलता। तो अगर आपको इंटरेस्ट सऊदीया में मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट। अगर कोई सवाल है एडमिशन के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू हैव सपोर्टिंग द चैनल। और सिर्फ चैनल की सपोर्ट नहीं है, हमारे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्हें पता नहीं चलता। तो एक सबका जारिया भी होगा और चैनल की सपोर्ट भी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे।